जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी, जय श्री राम। सात बज के 11 मिनट, मंगलवार का दिन है, 19 तारीख है, 7:11 AM। गिफ्ट निफ्टी 79 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स माइनस है गिफ्ट निफ्टी, 80 पॉइंट माइनस है दोस्तों, 80 पॉइंट, 22,056। चलिए, तो मैंने आप लोग को बोला भी था कि कल मैंने निफ्टी सेल करके जाने के लिए बोला और बैंक निफ्टी बाई करके जाने, पेयर ट्रेड दिया था मैंने कल 3:25 पे। ये आप लोग को तो बाद में 3:30 के बाद बताया, बट मेरे पर्सनल फॉलोअर्स को सबको आई गेव द राइट टाइमिंग्स। तो मुझे लगता है आज का दिन बैंक निफ्टी का रहेगा, बैंक निफ्टी कम गिरेगा कंपेयर टू निफ्टी और बढ़ेगा भी ज़्यादा कंपेयर टू निफ्टी। तो आज कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, सिंपल एक बात है कि आज जापान की पॉलिसी आएगी तो वहाँ रेट हाइक होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा वर्ल्ड उसको वॉच करेगा। और मेरे ख्याल में इंडियन टाइम पे ऐसे नियम से तो 8:30 बजे आ जाती है, लेकिन शायद 11:12 बज जाएंगे, 12:30 तक आएगी जापान की, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस वहाँ ज़्यादा है। तो आज बाकी कुछ ग्लोबल क्लूज में कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल एक क्रूड ऑयल टेंशन के माहौल पैदा कर रहा है। कल ब्रेंट क्रूड ऑयल 87 पहुंच गया ब्रेंट, और ये क्या नाम है इसका, नाइमेक्स क्रूड 82.60 पहुंच गया, 82.70। तो ये पिछले कुछ टाइम का हाईएस्ट लेवल है, पिछले 1-2-3 महीने का क्रूड में हाईएस्ट लेवल है। तो ये हमारे लिए हमेशा चिंता की बात रहती है, जब जब क्रूड का भाव बढ़ता है और वहाँ जाके स्टेबल हो जाता है अगर, तो अभी हम ये तो नहीं बोल सकते कि बढ़ गया लेकिन स्टेबल हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। बट कल इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है लास्ट 3-4 महीने की, तो ये ध्यान रखिएगा, 2-3 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है लास्ट, तो ये थोड़ी चिंता की बात जरूर है। लेकिन आज कैसा उसका रहता है वो डिपेंड करेगा, बट इसके अलावा कुछ ऐसा कोई, देखिए अब ये विरोधी लोग, ये मैं आपको बोला ही था, वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, वो जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला, जब मैंने क्या बोला तो सैया वहे दरोगा तो डर कहेगा। हाँ, तो भैया जिसकी सरकार उसका साम दाम दंड भेद सब उसका, तो वो चोर भी हो तो तुम क्या उखाड़ लोगे उसका। ये सरकार क्या बहुत ईमानदार है, मोदी जी की सरकार, ऐसा आप बोल सकते हो? हो सकता है ये इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जिन अथॉरिटी को जो काम दिया गया है उनका सारा फोकस विपक्ष के ऊपर रहता है, वो कभी, अच्छा मीडिया में भी ये सेम चीज़ है। तो आप ये सब जो भी मुद्दे लेके आते हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये वो कुछ काम नहीं करेगा, पूरे भारत को विकास दिख रहा है और पूरे भारत को डेवलपमेंट दिख रहा है, और इंडिया सुपर इकोनॉमी होने वाली है, सो देयर इज नो डाउट, है ना। कुछ ऐसा ही माहौल वाजपेयी जी के समय पे भी इंडिया साइनिंग का एक नारा चला था, और किसी को भी नहीं लगा था कि वाजपेयी साहब की सरकार नहीं आएगी। अब एक नारा चल रहा है 400 पार, मैं 432 का प्रेडिक्शन किया हूँ। तो देखिए जब इस तरह का माहौल बहुत ज़्यादा हो जाए
तो या तो ऊपर वाला लाठी चलाता है या फिर वो आदमी सही है, हो सकता है देश के लिए वही सही है। ठीक है, तो आप अगर इस भरोसे में हो कि बहुत सारे वो लफड़े निकल जाएंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इसने उसको दिया इस, अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ कुछ भी लफड़ा नहीं होगा। लफड़ा एक ही हो सकता है, वर्ल्ड वार हो जाए तो मार्केट गिरेगा, या कोई अमेरिका से कोई बहुत बुरी खबर आ जाए तो मार्केट गिरेगा। हिंदुस्तान में सब सब चोखो है भैया, सब चोखो है। तुम्हारा रुपया कांग्रेस की सरकार में 70 में तुम माला पहनाते थे, अभी 83 में भी माला पहनते हो। ये डिबेट करके कोई फायदा नहीं है कि ऐसा सर, ये मेरे बहुत लोगों ने लिखा सर आप उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं एक चीज़ बताओ मेरे को यार, इतने सारे नॉलेज वो लोग दे रहे टीवी आपको, मैं क्यों अलग से उसका नॉलेज दूं आपको? आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मैं वीडियो बना के उखाड़ूंगा क्या? या आप, अरे उसमें जो होना का सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है, लेट इट टेक। तो लेकिन मार्केट में मुझे अभी फिलहाल कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। क्रूड ऑयल जरूर मुझे डरा रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, बहुत कुछ डिपेंड करती है, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं। ठीक है, बाकी हमारे साहब जो हमारे आदरणीय पीएम साहब, वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। उन्होंने तो बचपन से, जब से होश संभाला, वो तो देश के लिए पैदा हुए हैं। क्यों फालतू की बातें करते हो यार? भले ही उनकी डिग्री नकली साबित हो गई, आदमी असली है। चलिए, अभी मैं क्या बोलने चल रहा था, हाँ मार्केट का, आज का मार्केट क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा इसमें बहुत बार मैं आपसे लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये सब मत लिखा करिए सर, इसमें इससे मार्केट, अगर मार्केट को गिरना होगा ना, तो वो कोई बॉन्ड वॉन्ड का बहाना नहीं मारेगा, वो सीधा आपको गिरा देगा। अभी मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है, आप देखो मार्केट निफ्टी जब से वो लेवल थोड़ा 22,100 के नीचे आया, अब जब तक निफ्टी 22,200 के ऊपर नहीं जाए क्लोजिंग, तब तक वो तेजी का मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। 180 के ऊपर की क्लोजिंग आना जरूरी है निफ्टी में, 22,180, इसको लिख लो आप लोग। कल हमारा काम इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा 22,000 का वो लो फ्यूचर में मरा होता तो उसने हाई तोड़ा, मैंने बोला वो तोड़ दिया, लेकिन कल मैंने 23:20 या 25 में सबको शॉर्ट करवाया निफ्टी, और बैंक निफ्टी लॉन्ग करवाया, ताकि ऐसा कि नहीं नेकेड शॉर्ट जाए, एक पेयर ट्रेड कराया। मुझे लगता है बैंक निफ्टी मुझे कल के चार्ट में ज़्यादा स्ट्रांग दिखा, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा हैमर बना। मुझे इतना आसानी से बैंक निफ्टी का लो टूटता हुआ नहीं दिखता है, 46,022 जो कल बार, और बैंक निफ्टी मुझे एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ। लेकिन आज और कल दोनों दिन खतरनाक जरूर है, इसलिए कि एक तो जापान का आज वाला तो हम फिर भी हम संभल जाए, कल वाला दिन स्पेशली परसों वाला दिन, क्योंकि कल रात को आउटकम आएगा फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, तो जेरोमी पावल साहब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारी कमेंट्री पूरा विश्व बड़े ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उस पर बहुत कुछ टिका हुआ है कि वो जून में रेट कट करने वाले हैं या और अभी थोड़े दिन सख्त रहेंगे रेट कट के खिलाफ, क्योंकि मार्केट ये सोच के चल रहा है यूएस मार्केट कि जून में एक रेट कट वहाँ आने वाला है। और फेड अगर कोई भी कड़ी कमेंट्री दिया, हॉकिस दिया, तो वो दिक्कत वाली रहेगी, वो कल की बात है। आज मुझे लगता है मार्केट ओवरऑल तेज हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन आज की तेजी का
अगर सहरा बंधेगा किसी के ऊपर, जो सहरा बंधेगा तेजी का, तो वो बंधेगा बैंक निफ्टी पे, वो मुझे लगता है, लेकिन मैं रॉन्ग साबित हो सकता हूँ। एवरी डे डोंट थिंक कि मैं हमेशा राइट होऊंगा भाई, मैं मोदी जी नहीं हूँ जो हमेशा राइट होऊंगा। हमेशा मास्टर स्ट्रोक मैं नहीं मार सकता हूँ, मैं साधारण इंसान हूँ, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए आपको मास्टर कृपा चाहिए ऊपर से। तो मेरा मास्टर स्ट्रोक तो ये बोलता है कि आज बैंक निफ्टी में मेरा दाव रहेगा, क्योंकि कल उसने मुझे थोड़ा प्रभावित किया कल के मूव से। भले ही वो 50 EMA के नीचे 2 क्लोजिंग दे चुका है कल भी और परसों भी, लेकिन वो दोनों क्लोजिंग आप देखो बहुत नियर है, क्योंकि 50 EMA की वैल्यू 46604 थी कल, और कल 604 थी, कल 603 आई, लेकिन दो दिन की क्लोजिंग अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो 594 थी और कल 575 थी, तो एकदम नज़दीक है वहाँ पे। तो वो एक 50 EMA को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि पूरी तरह से तोड़ दिया उसने। चलिए आज का, और क्रूड अगर यहाँ से बढ़ते गया और ब्रेंट क्रूड जो 87 तक पहुँच गया, अगर 90 को क्रॉस कर दिया, तो वहाँ ज़रूर मार्केट चिंतित हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। जब तक हम 90 के नीचे हैं ब्रेंट क्रूड में, तब तक इतनी टेंशन की लकीरें नहीं आएगी मार्केट को। तो ओवरऑल और लोकसभा इलेक्शंस भी इम्पैक्ट करने लग जाएगा, लेकिन होली के बाद, अभी नहीं। देखिए लोकसभा इलेक्शंस का जैसा सारी टीवी दिखा रही है, और मेरा भी पर्सनली मानना है, मैं तो 432 सोच रहा हूँ 543 में से, और टीवी वाला भी 400 के प्लस ही दिखा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होती है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि हमको स्टॉक मार्केट से मतलब है। स्टॉक मार्केट यही चाहेगा कि एक रूलिंग गवर्नमेंट जो ऑलरेडी रूल कर रही है, वो पूरी तरह से चुन के आए, ताकि उसकी कोई भी पॉलिसी बनाए तो उसमें रोड़ा नहीं कोई डाले। विकास की पॉलिसी बहुत सारी मोदी जी ने बनाई है और आगे भी बनाएंगे, ऐसा मार्केट मान के चलता है और मैं भी मान के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको सरकार में अगर फुल मेजोरिटी रहती है, तो वो सारे बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये अच्छी न्यूज है अभी तक। तो देखिए आप कोई भी चीज गारंटी तो नहीं ले सकते कि जीत के वही आएगी या जीत के वही आएगा, ऐसा कोई चीज का, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मुंह की खाता है। ये मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत बार खा के देखा, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी हूँ और उसके कारण मैं कई बार लात खाता हूँ। तो अब इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और मुझे तो उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि 432 आएगी, तो कहाँ हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है फॉर स्टॉक मार्केट कि सरकार इतने लार्ज नंबर से अगर जीत के आएगी, तो स्टॉक मार्केट, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 25,000 भी निफ्टी क्रॉस हो जाए इसी साल में, 25,000 आश्चर्य नहीं होगा, ठीक है फिलहाल। लेकिन अभी आज का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज निफ्टी को किसी तरह से पॉजिटिव बंद करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन शायद मुझे लगता है वो कर पाएगा। बट बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज का हीरो रहेगा। शुरुआत दोनों में ही गिरावट से हो सकती है, ठीक है। तो ये आज का, और अब आ जाइए हमारा काम की बात। वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी खाली इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, नेक्स्ट संडे से पूरी क्लासेस चालू हो जाएगी। तो आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करो। दूसरा क्या नाम था, लाइफ टाइम मेम्बरशिप ऑफ ये डिलीवरी ग्रुप, डिलीवरी ट्रेड्स जो मिलेंगे आपको, वो आप
कल की डेट तक ज्वाइन कर लो, क्योंकि गुरुवार से मैं उसमें कॉल्स डालना स्टार्ट कर दूंगा और सारा कुछ बता चुका हूँ। 25,000 उसकी फीस लाइफ टाइम। अब आ जाइए, बहुत लोगों ने लिखा सर होली पे हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो आ जाइए। होली टू होली जो मैं ग्रुप्स अनाउंस कर रहा था, जिसका मैं 13,000 बोलने वाला था, ठीक है, आज मैं आपको नया मौका दे रहा हूँ 9,000 होली टू होली। लेकिन ग्रुप स्टार्ट होगी होली के अगले दिन से, अगले दिन से। होली है 25 की, 26 को स्टार्ट होगी, ठीक है, और ग्रुप ख़त्म होगी अगली होली में, सिर्फ 9,000। ये लास्ट मौका है, उसमें डेली के आपको एफ एंडो को ही कॉल्स मिलेंगे, उसमें ऑप्शन भी रहेगा, फ्यूचर्स भी रहेगा। अब आपको, अब कुछ लोग बोलते मुझे खाली बैंक निफ्टी के भाड़ में जा दूँ, ठीक है, तो जिसको लेना होगा फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। 9,000 इसकी प्राइस मैं बढ़ा सकता हूँ कल, परसों, हर दिन बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आज ले लो तो 9,000, ठीक है। कल हो सकता है मैं 9,500 कर दूँ, परसों 10,000 कर दूँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सस्ते में मैं ये छोड़ रहा हूँ। 9635476788 पर व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल मत करना। फ़ोन कॉल जो लोग अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं और फ़ोन कॉल कर डालते हैं सर मुझे ये पूछना है, तो ये गेट लॉस्ट, ब्लॉक तो हो ही जाओगे, गेट लॉस्ट, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।